नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातार दीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलोकां दधतं रुद्रघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातार दीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलोकां दधतं रुद्रघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने कटितट विलसत् चारु पीताम्बराड्यं वंदे धन्वंतरिन्तं निखिल गदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातार दीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलोकां दधतं रुद्रघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने कटितट विलसत् चारु पीताम्बराड्यं वंदे धन्वंतरिन्तं निखिल गदमिव
शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावा नमस्ते प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज आप लोगों को मैं एक नागवल्लभ रस बताने के लिए आया हूँ। नागवल्लभ रस जो है इसका नाम जो है अब कोई भी शब्द रहता है ना उसका महत्व रहता है। जब भी हम लोग ना वल्लभ शब्द जोड़ देते हैं कोई भी मेडिसिन में उसका ना प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे हम लोग किसी को उपाधि देते हैं तो वैसे ही ना यहाँ उपाधि दी गई है मेडिसिन को। और नागवल्लभ में नागवेल नागवेल मतलब तांबुल पत्र जो रहता है खाने का जो पान का पत्ता रहता है उसके नाम से ये मेडिसिन बना है तो इसलिए नागवल्लभ रस। अब इसमें जो कंटेंट्स है वो हम लोग देखेंगे। योग रत्नाकर का ये पाठ है और यह पुणे के वैद्य लोग इसका प्रयोग करते हैं। और किसके लिए करते हैं तो श्वास कास की जो व्याधियां होती है मतलब खांसी में और कौन कौन से कंडीशन में रहती है। नहीं तो हमारे पास तो चंद्रामृत रस भी है श्वास कुठार रस भी है और फिर बहुत सारी दवाइयां आनंद भैरव रस है तो फिर नागवल्लभ रस क्यों बनाया गया तो वह जानना बहुत जरूरी है कि यह नागवल्लभ रस का क्यों महत्व इतना दिया गया है और इसका जो है इसमें ये कंटेंट्स क्या है और कैसे काम करते हैं। तो पहले हम श्लोक देखेंगे योग रत्नाकर का। योग रत्नाकर का पाठ है और औषधि गुणधर्म शास्त्र जो एक किताब है जो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चलता है खासकर पुणे के वैद्य बहुत ज्यादा यूज करते हैं औषधि गुणधर्म शास्त्र उसमें नागवल्लभ रस का बारे में बहुत डिटेल में बताया। आप लोग अगर देखेंगे कि उत्तर भारत के जो ग्रंथ है जैसे कि आयुर्वेद सार संग्रह उन सब में इसका उल्लेख नहीं मिलता है लेकिन यहाँ के ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और यहाँ और ऐसा बनाया गया है कि जहां पर ज्यादा उपयोग रहता है वह मेडिसिन बना दिया जाता है मतलब ग्रंथों में लिखा रहता है तो ग्रंथों में यहाँ क्योंकि प्रचलित है ये। आप लोग अगर नागवल्लभ रस का प्रयोग देखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। क्या क्या इसमें कंटेंट्स है तो वो पहले देखते हैं। योग रत्नाकर में कास और श्वास रोग अधिकार में इसके बारे में बताया है। ऐसे बता रहे हैं कि कर्षमाना मृगमद कर्ष मतलब एक एक कर्ष की मात्रा में मृगमद मृगमद मतलब कस्तूरी जो मृग के नाभि में रहता है वह कस्तूरी लेना है। फिर मृगमद चोच मतलब मोचरस जो शालमली का निर्यास रहता है उसको मोचरस बोलते हैं। टंकणका अथ टंकन शार ले लिया है। काश्मीर जन्म दर्द पिपल्या साधु द्वि कर्ष कहा मतलब इसमें क्या डाला है कि हिंगुल डाला है पिपली डाला है पिपल्या द्वि कर्ष का दो दो कर्ष की मात्रा में ले लेना है। पहले जो बताया कस्तूरी लेना है फिर मोचरस लेना है टंकन शार ये एक एक कर्ष मतलब एक एक तोला के मात्रा में लेना है। और केशर हो गया फिर केशर मतलब काश्मीर यहाँ शब्द बोले काश्मीर जन्म दर्द पिपल्य मतलब हिंगुल लेना है हिंगुल को दर्द बोलते हैं और पिपल्य पिपली जो है यह दो दो कर्ष की मात्रा में लेना है। फिर बता रहे हैं कि अक्कलकारा जो रहते हैं मैं सब वनस्पति के बारे में बताऊंगा अक्कलकारा लेना है जायपत्री लेना है जायफल लेना है वत्सनाभ लेना है यह चार चार तोला। श्लोक में ऐसा बता रहे हैं कि आकर करब वो जाति पत्री फलम विषम मतलब आकर करब लेना है जाति पत्री जाति फल और विषम मतलब वत्सनाब लेना है। प्रत्येकम फल मानानी चतुर्व्यर्थ सुख खलवके ये सभी को लेना है और चार चार तोला की मात्रा में ले लेना है। और इसको जो ये रहता है चार चार तोला की मात्रा में लेके एकत्रित कर दिया और खलव यंत्र में डाला उसके बाद में नागवल्ली जो रहता है तांबुल पत्र जो रहता है जो पान का पत्ता रहता है उसका तीन दिन तक मर्दन करने के लिए बोला है। अहि अहि वल्ली दल रसेर मर्दी है च दिन त्रयम
अहिवल्ली का मतलब यह है कि नागवल्ली मतलब तांबुल जो रहता है, पान का पत्ता रहता है, उसमें मर्दन करना है 3 दिन तक। मुद्गल प्रमाण वट्टिका लीढ़ा मद्राद्र कादवेहि, मतलब इसको ऐसा बोल रहे हैं कि मुद्गल प्रमाण मतलब जिस तरह से मूंग होता है, या फिर एक पाव से एक गुंजा मतलब 125 mg जो रहता है वो मैक्सिमम डोज हो गया एक चुटकी, और उसका 1/4 हो गया, वह 1/4 से एक गुंजा तक इसकी मात्रा बताई गई है। और यह बता रहे हैं कि तांबुल चर्विता में है श्वास का स्मरुदा धरा, मतलब जब हम लोग इसको नागवल्ली नागवल्लभ रस को नागवल्ली के पत्र के साथ इसका सेवन अगर किया जाए, चबा चबा के इसका रस लिया जाए, नागवल्ली के रस के साथ ही इसका मतलब उसके साथ ही लेना चाहिए, तो ये क्या करता है कि मेह रोग में मतलब कफज प्रमेह है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, कास रोग में काम करता है, क्षय रोग में काम करता है। नागवल्लभम नामोयम रसो विषोपकार का, इसका नाम नागवल्लभ है क्योंकि ये नागवल्ली के वनस्पति से बनाया जाता है और इसको बहुत ज्यादा महत्व रहता है। मैं एक बार फिर से श्लोक पढ़ता हूँ तो आप लोगों को फिर से समझ आएगा। कर्षमाना मृग मद चोच टंकणा टंकणका अथ काश्मीरी जन्म दरद पिपल्य सेदु कर्षिका अकाकरबो जाति पत्री फलम विषम प्रदेकम फल मानानी चतर्व्यार्थ सुखल्वके अहिवल्ली दलेर मसे मर्देच दिनत्रयम् मुद्ग प्रमाणा वटिका लीढ़ा मर्दाद्रका दवेहि। कुछ लोग ना मधु और पानी के साथ मिक्स करके इसको अनुपान के रूप में देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, पुणे में मैंने देखा है, पुणे में बहुत सारे वैद्य हैं वो नागवल्ली के मतलब तांबुल पत्र के साथ ही इसका सेवन कराते हैं। तंबुल चर्विता मेह काशय मरुद्धरा नागवल्लभ नामोयम रसो विषोपकार का। अब ये जो नागवल्लभ रस है इसका हम लोग ना फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी पे क्या क्या होता है वह हम लोग एकदम विस्तार से देखेंगे। तो नागवल्लभ रस जो है ना यह श्वास और कास की बहुत अच्छी दवाई है। किसी को भी खांसी आ रही है और वह भी वातज पित्तज कफज जो कास वायु के वजह से हो रहा है, और उसमें तो क्षयज कास और क्षतज कास भी बताए अपने कास रोग अधिकार में, तो वह क्षयज कास में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्षतज कास में भी काम करता है, हर तरह का जो कास रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और कास व्याधि के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे, लेकिन पहले हम नागवल्लभ रस के बारे में देखते हैं। तो यह श्वास कास में कफ दोष जो रहता है, जो स्त्यान रहता है बहुत ज्यादा चिपका चिपका रहता है, लीन कफ रहता है, उसको ना बैलेंस करता है, उसको पिघला देता है, पिघलाने के बाद उसका नियमन करता है, बैलेंस करता है। और पित्त दोष जो रहता है, क्योंकि श्वास व्याधि देखेंगे तो श्वास व्याधि बता रहे हैं कि आमाशय समुद्भव पित्त स्थान समुद्भव, पित्त के स्थान में जो क्लेदा कफ रहता है वही विकृत होके फिर वे मार्गमन करके प्राणवाहियों वाहिनियों में चला जाता है, और उसके वजह से क्लेदा कफ जब संचित हो जाता है अपने फुफ्फुस में तब श्वास व्याधि होती है। तो यह क्या करता है, और पित्त का द्रव गुण भी बढ़ा है, क्लेदा कफ का भी द्रव गुण बढ़ा है और वही भी मार्गमन हुआ है, तो पित्त का द्रव गुण को भी बैलेंस करता है, कफ के स्थानता को भी बैलेंस करता है, द्रव गुण को भी बैलेंस करता है। और यह क्या करता है कि श्वास नलिकाएं जो रहती हैं एल्वोलाइज और ब्रोंकियोल्स रहते हैं उसको खोल देता है, उसको पिघला देता है। और यह इसमें इतनी सारी मेडिसिन है। अभी वत्सनाभ जो है आप लोगों को पता है कि त्रिभुवन कृति में भी वत्सनाभ है, तो वत्सनाभ जो रहता है वो वात कफ संप्राप्ति को भंग करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है, उससे स्वेद प्रवृत्ति भी होती है, कफ भी पिघल जाता है। त्रिभुवन कीर्ति रस को आप लोग देखिएगा, जब भी श्वास कास के पेशेंट आते हैं कोई भी ऐसे संप्राप्ति होती है जिसमें वात और कफ इन्वॉल्व रहते हैं, और जैसे सांस फूल रहा है या फिर वात कफत ज्वर है उसमें हम लोग त्रिभुवन कीर्ति रस देते हैं। आम वात की कंडीशन है उसमें भी हम लोग वात कफत संप्राप्ति को भंग करने के लिए और आम का पचन करने के लिए वत्सनाभ के कल्प देते हैं। उसको लेने के बाद ना पसीना आने लगता है और जो दोष मतलब बहुत ज्यादा स्त्यान हो गए, बहुत ज्यादा रुके हुए हैं, उनको वो पिघला देता है और बहुत अच्छा पेशेंट को रिलीफ मिलता है। इसीलिए यहाँ पर वत्सनाभ का प्रयोग किया गया है। दूसरा, और इसमें अगर टंकण क्षार देखेंगे तो आदो क्लेद यति पश्चात विशोषयति, पहले क्लेदन क्लेदन करता है उसके बाद में ऐसे क्लिंजिंग करता है, इसलिए टंकण क्षार डाला है। तो इसका महत्व है श्वास और कास के व्याधि में। इसी तरह से जायपत्री है, जायफल है, यह कटु कटु उष्ण द्रव्य है, यह भी श्वास नलिकाओं को बल देते हैं और श्वास और कास को ठीक करते हैं। उसी तरह से पिपली है, पिपली आप लोगों को पता है कि श्वास कास में तो बहुत अच्छा दवाई है और रक्त धातु को भी अच्छा करती है। हिंगुल है, वह भी बहुत अच्छा कफ को विलयित करता है, कफ को बैलेंस कर देता है। इसीलिए या और इसमें हिंगुल है, टंकण क्षार है, कफ कफ का नियमन कर रहा है, कफ का नियमन कर रहा है, इसलिए कफज मेह में भी इसका प्रयोग करते हैं, श्वास कास व्याधि में भी इसका प्रयोग करते हैं और वायु का शमन करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वायु कहीं ना कहीं अटका हुआ है, स्थूल
त्रदोष में आम संचित हुई है और कफ की वजह से और आम की वजह से वायु जो है रुका हुआ है। तो जब हम आम का पचन कर देंगे, अग्नि को बढ़ा देंगे, कफ को निकाल देंगे, कफ को पिघला देंगे, जब स्त्रोतस खुल जाएगा तो वायु का नियमन होने लगेगा, तो वायु का जो पीड़ा है मतलब श्वास का, इसमें खांसते खांसते बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, पसलियों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, सांस में भी दर्द होने लगता है, पूरे ऊर्ध्व चतुर्गत भाग में, उसमें भी वायु जब अनुलोमित हो जाएगा, नॉर्मल अवस्था में जाएगा, उदान वायु ऊपर से निकलने लगेगा, प्राण वायु नीचे जाने लगेगा, श्वास प्रश्वास होने लगेगा, तब इसका फायदा यह होता है कि वेदना शमन हो जाता है, वायु का कार्य अच्छा होने लगता है, तो वायु भी शमित कर देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह कफ पे तो काम कर ही रहा है, पित्त का द्रव गुण को भी अच्छा कर रहा है, वायु को अनुलोमित भी कर रहा है। वायु को अनुलोमित करने का मतलब है कि श्वास प्रश्वास में बहुत अच्छा बैलेंस कर देता है। अब इसमें नाग बल्लभ रस में अगर हम लोग एक, यहाँ पे महाराष्ट्र में नाग गोली भी मिलती है और एक होता है नागामृत वटिका, उसमें भी कस्तूरी रहता है, लेकिन जो नागवल्लभ रस है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कस्तूरी डाला है उनके अपेक्षा, क्योंकि एक तोला की मात्रा में, एक तोला मतलब 10 10 ग्राम तक के मात्रा में इतना डाला हुआ है। उसके बाद में इसमें वत्सनाभ जो है वह 4 तोला डाला हुआ है। 4 तोला डालने की वजह से हम लोग को शंका आएगी कि वत्सनाभ से कोई साइड इफेक्ट तो होगा कि नहीं होगा, उपविष है, लेकिन जो दूसरे द्रव्य हैं वह उसको बैलेंस कर देते हैं, तो वत्सनाभ का कोई भी दुष्परिणाम नहीं देखा जाता है इससे। और दूसरा है कि कफ प्रकोप अगर हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि कफ इतना जमा हो जाता है, आप लोग ना ऑस्कल्ट करके देखेंगे स्टेथोस्कोप से तो ना रोंकाई और क्रिपिटेशन ऐसे आवाज आने लगते हैं, रोंकाई का मतलब होता है कि कबूतर बोलता है, उस तरह की आवाज आने लगती है, गुर 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 आवाज आने लगती है, लंग्स से कंजेशन बहुत ज्यादा रहता है। और क्रिपिटेशन में जैसे दरवाजा खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, पुराना दरवाजा जिसमें तेल नहीं डाला है उसके उसमें, तो उसमें जो आवाज आती है उस तरह से क्रिपिटेशन जैसी आवाजें आने लगती है लंग्स में से, तो यह आवाजें श्वास कास में होने लगती है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा आस्कल्ट करके देखा होगा क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो यह दोनों कंडीशन में जब सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, पूरा कफ कफ पूरा जमा हुआ है, क्लेदक कफ अपना स्थान छोड़ के यहाँ पर प्राण वाहिनियों में आके और बैठ गए और वायु के वजह से रुक्षता हो रही है और श्वास नलिकाएं संकुचित हो रही है, बहुत ज्यादा संकोच हो रहा है, तो उसमें अगर हम लोग नागवल्लभ रस देते हैं तो इससे ये क्या करता है, जो नागवल्ली जो रहता है तांबुल पत्र रहता है उसका कार्य तो यह रहता है कि वो उत्तेजना देता है। जैसे श्वास कास में क्या होता है कि इंसान जैसे श्वास लग रहा है तो इतना सांस फूलने लगता है तो श्वास नलिकाएं थक जाती हैं, सांस ले लेके थक जाती है, थकावट जैसा टायर्डनेस आ जाता है उनमें, एक एक सेल थक जाते हैं, पैरेन्काइमल लेयर्स भी लंग्स के जो वॉल्व्स रहते हैं वो भी थक जाते हैं, वहां पर उत्तेजना देना बहुत जरूरी रहता है। तो जो नागवल्ली है वो उत्तेजना देता है, उत्तेजना देने के साथ में और भी मेडिसिन है उनके साथ में कफ को विलयित कर देता है, कफ को पिघला देता है, जब कफ पिघलने लगेगा अपने आप जो श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया है वह अच्छी हो जाती है। इसी तरह से कभी कभी इतना ज्यादा कफ प्रकोप हो जाता है कि सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और तमक श्वास की कंडीशन आ जाती है जिसको हम ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं, तो इसमें इतना अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने और आसिनो लपते सौख्यम मतलब जब बैठेंगे ना तब अच्छा लगता है, लेटेंगे तो सांस फूलने लगता है, यह इसमें आपने पढ़ा है। और उसमें बोला है तमकेतु विरेचनम, तमक श्वास में विरेचन चिकित्सा बताइए क्योंकि पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तमक श्वास में अगर आप वमन देंगे शुरुआत में तो वह श्वास नलिका अवरुद्ध हो जाएंगी और इंसान को मृत्यु हो सकता है, इसीलिए हम लोग तमकेतु विरेचन पित्त निकालते हैं और विरेचन के द्वारा से पित्त निकाल के कफ भी निकाला जाता है। जब कफ निकल जाता है पेशेंट को थोड़ा स्टेबल कर लेते हैं उसके बाद में वमन का ऐसा होता है, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तमक श्वास में तमकेतु विरेचनम बोला है। तो वैसी कंडीशन में पित्त दोष भी तो विकृत हुआ रहता है और तमक श्वास में अंधेरा छा जाता है, इतना सांस फूलने लगता है मतलब आंखों के आगे अंधेरा छाना, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होना, अवरुद्ध हो जाता है पूरा, श्वास नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। तब वत्सनाभ का ये जो कल्प है नागवल्लभ रस, वत्सनाभ डाला हुआ है, पिंपली डाला हुआ है, पिंपली भी जो रहती है पीपल जो हम लोग त्रिकटु में रहता है वह भी सूक्ष्म स्रोतोगामी रहती है और लंग्स को रसायन रहता है, इसलिए वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग हम लोग करते हैं कि एक एक पिपली बढ़ाते जाते हैं और मधु के साथ और दूध के दूध का सेवन करते हैं, तो जो भी अस्थमा के पेशेंट रहते हैं उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है पिपली का, खासकर पिपली का मतलब श्वास निग्रहण गण में बताया है पिपली।
तो और दीपनियागढ़ में भी बताए, तो इसीलिए पिपली वाला, बदसना वाला, हिंगुल वाला, टंकनशार वाला और पान के पत्ते का 3 दिन तक मर्दन करके जो यह, और मर्दन कर करके इतना सूक्ष्म स्त्रोतोगामी होता है कि एक एक सेल के, एल्वोलाइज के सेल पे, ब्रोंकियल्स पे इसका काम होता है। इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे क्या होते हैं कि श्वास के जो नियमन केंद्र रहते हैं ब्रेन में, वह बैलेंस हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि श्वास प्रश्वास जो प्रक्रिया है वह अच्छे से होने लगती है, और उत्तेजना भी मिलती है कि जो वीक हो गए लंग्स, जैसे सीओपीडी रहती है। मैं आप लोगों के आंसर दूंगा, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, मैं बाद में दूंगा। तो यह जो रहता है ना, ये उत्तेजना देती है, इसलिए पेशेंट को ना एकदम सूदिंग फीलिंग होने लगता है। जो बहुत सारे जैसे कि आप लोग देखेंगे एलोपैथी में क्या रहता है कि अगर श्वास का वेग आ रहा है तो वो सालबेटामोल या एस्थलिन देते हैं, पंप देते हैं, इनहेलर देते हैं, तो पेशेंट को कैसे वो ब्रोंकस खुल जाता है, तो पेशेंट को कितना रिलीफ मिलता है। उसी तरह से एक तांबुल्लेहम भी आता है साउथ की कंपनी का, जो पान के पत्ता, कर्पूर और गुड़ से बनाया हुआ रहता है। तो जो ये पान रहता है ना, वो इतना उत्तेजना देता है, इतना उत्तेजना देता है, कफ को पिघला देता है। और इसमें वत्सनाप डाला है, पिंपली डाला हुआ है, टंकनशार डाला हुआ है, हिंगुल डाला हुआ है। तो जब भी आपके पास सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं, या फिर कोर पर्मलल जिसमें सांस फूल रहे हैं बहुत ज्यादा, या ब्रोंकियल अस्थमा है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियेक्टेसिस है, बहुत सारे जो लंग्स की बीमारियां, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बीमारियां है, फाइब्रोसिस हो गया, वह सारे कंडीशन में अगर नाग बल्लभ रस दे देंगे ना, इसको लेने के बाद ऐसा अनुभव होता है जो श्वास कुठार रस में भी नहीं होगा, चंद्रामृत रस भी इतना फास्ट नहीं काम करेगा जितना ये तांबुल पत्र के भावना से बनाया हुआ जो नागवल्लभ रस है। इसको लेने से, मैंने खुद भी खा के देखा है, इसको लेने से ना श्वास प्रश्वास होती है वो इतना अच्छे से आने लगती है ना, पेशेंट को इतना फील अच्छा होने लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा जन्नत की हवा अंदर जा रही है और स्वर्ग जैसा फील हो रहा है। जो रोगी होता है उसको ही पता होता है कि सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है तो उसको कितना तकलीफ होता है, पूरा सर, कंठ और गला ये सब दर्द होने लगता है, और उसको ना बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। जब नागवल्लभ रस को चूस चूस के खाया जाए या स्वालो करके लिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से खांसी की अवस्था, शुरुआत की अवस्था जब रहती है, मतलब प्रथमा अवस्था रहती है, तब श्वास नलिकाएं जो रहती हैं, श्वास वाहिनियां जो रहती हैं, उसमें इंफ्लेमेशन रहता है। इंफ्लेमेशन मतलब कोई भी बैक्टीरिया का, वायरल का, या कोई भी कारण से, धूल से, धुआं से, या पोलन ग्रेन से, वहां पे इंफ्लेमेशन रहता है, तब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब एक्यूट कंडीशन रहती है, जब पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा शुरुआत के काल में रहते हैं, तब इसका प्रयोग करने के लिए थोड़ा हमारे आचार्य लोगों ने मना किया है, शुरुआत में नहीं करना है। बाद में जब इंफ्लेमेशन का कंडीशन आगे का स्टेज चला जाता है, जब कफ जमा होने लगता है और खांसी बहुत ज्यादा आती है, एक ठसका लगता है, रिफ्लेक्स आता है कि कफ का रिफ्लेक्स आने लगता है और उसका हम संप्राप्ति देखेंगे, तब उसमें यह कफ का अभिषंद गुण बढ़ जाता है। कफ अभिषंदी गुण बढ़ने का मतलब है कि स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति हो जाती है, और ऐसा लगता है कि एक बार खांस लेंगे तो वो चीज जो है वो निकल जाएगा, कफ जो बहुत ज्यादा ऐसा चिपका चिपका है वो थोड़ा निकल जाएगा तो सांस लेने में ठीक लगेगा थोड़ा। और कास रोग में बताया कि कसनात कासह, कांस्य पात्र में जिस तरह से वेदना, मतलब हम लोग बजाएंगे तो आवाज आती है, उस तरह से खांसी आती है। और दूसरा बता रहे हैं कि उसका पूर्व रूप में बताते हैं कि खांसी आने के पहले सुखपूर्ण गले निभा गलास्यता, सुखपूर्ण गलास्यता मतलब जिस तरह से कोई जौ है गले में अटका है, ऐसे खराश होती है और थोड़ा खांसने का मन करता है, खांसने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरह का ये कंडीशन जब बढ़ जाता है वहां पर भी इंफ्लेमेटरी मतलब कंडीशंस आ जाती है, उसमें अगर हम लोगों ने अगर हमने नागवल्लभ रस का प्रयोग कर दिया तो यह क्या करेगा कि कफ को निकाल देगा, स्त्रोतस को खोल देगा, और कफ के वजह से अभिषंद हो गया है वह पूरा तरह से खुल जाएगा। और पानी और इसका प्रयोग और भी है कि अगर ना सकफ कास है या सूखी खांसी है, दोनों में इसका प्रयोग होता है, मतलब अगर क्योंकि वात कफ संप्राप्ति में काम कर रहा है ना, तो कफ का भी अगर संप्राप्ति है, इसमें कफ युक्त खांसी आ रही है, जिसमें बलगम आ रहा है, बलगम वाली खांसी आ रही है, उसमें भी बहुत अच्छा, सूखी खांसी है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, और चूस के लेने से, चूसने में कैसे पान के पत्ते का रस का इसमें स्वाद आता है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, और जो सकफ कास रहता है उस दोनों कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर ना कास बढ़ जाता है तो मुंह से स्वाद नहीं आता है,
मतलब और अरोचक जैसे कंडीशन आने लगते हैं, और खांसी इतना जोर से आता है कि कभी कभी नाक से भी पानी निकलने लगता है, आंखों से पानी निकलने लगता है, इतना जोर जोर से खांसी आती है, और सर दर्द बहुत ज्यादा होता है। खांस खांस के ना पेशेंट को छाती में भी पेन होने लगता है, सर दर्द भी होने लगता है, पूरा बॉडी में पेन होने लगता है, पूरे रिब्स में पेन होने लगता है। आप लोग के पास पेशेंट आते होंगे, या आप लोगों को भी खांसी हुई होगी तो आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बुखार रहता है, पूरा बॉडी में पेन रहता है, और पूरा बॉडी में जैसे स्तमित गीले कपड़े से लपेट लिया ऐसा फील होता है, और बहुत ज्यादा अंग गौरव रहता है, मतलब पूरे बॉडी में ऐसा लगता है कि पूरा हैवीनेस आ गया है, और उसमें ना हमें ऐसा लगता है कि बैठ जाएं खास खास के, फिर बैठने के बाद लगता है कि खड़े हो जाएं, बेचैनी इतनी ज्यादा रहती है कि मन भी अनवस्थित रहता है। ऐसे सारी कंडीशन में नागवल्लभ रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे कफ का अभिषंद गुण कम हो जाता है, कफ ने जो अभिषंदी काम किया है वह कम हो जाता है, और यह क्या करता है पूरे बॉडी को भी उत्तेजना देता है, पूरे बॉडी को उत्तेजना आता है तो फ्रेशनेस लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और श्वास कास तो ठीक ही हो जाता है। इसी तरह से तमक श्वास है या प्रतमक श्वास है। तमक श्वास में आप लोग को पता है कि तमक श्वास जो है वो बहुत ही ज्यादा कृच्छ साध्य रहता है, याप्य रहता है, और प्रतमक श्वास में पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये दोनों कंडीशन अगर बहुत दिन तक कंटिन्यू रह रही है, और उसमें इनहेलर और वेगावस्था अवेगावस्था ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है और ऐसे पेशेंट में भी दिखते हैं, तो वेगावस्था आती है तो बहुत ज्यादा सांस फूलने लगता है, सांस ही नहीं लिया जाता है और अटक जाता है, तब इनहेलर लेना पड़ता है, साल्बुटामॉल एस्थेलिन वगैरह जो ब्रोंकोडायलेटेशन का काम करते हैं वह लेना कंपल्सरी होता है। तो आयुर्वेद में हम लोग क्या करते हैं, श्वास कुठार रस दे दिया, कनकासव दे दिया, ऐसे हम लोग देते हैं दवाइयां, लेकिन वह सब कैसे कि हमें वमन कराना ही पड़ता है। अगर हम लोग वमन नहीं कराएंगे, विरेचन नहीं कराएंगे, तो पेशेंट को वो कफ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उससे अच्छा हमें शमन चिकित्सा देना है, श्वास कुठार रस में कुठार की तरह वो कफ को निकालता है, पिघलाता है, लेकिन जो नागवल्लभ रस है यह क्या करता है कि वो पूरा श्वास नलिकाओं को भी ताकत दे देता है, उत्तेजना देता है, मतलब इतना उत्तेजना देता है कि श्वास और प्रश्वास अच्छे से जाने आने लगती है। आप लोगों ने कभी ताम्बुल्यम खाया होगा या कपूर का स्मेल किया होगा, तो कपूर भी जो है वो उत्तेजक है बहुत ज्यादा। जैसे आप लोग विक्स इनहेलर लेते हैं, तो विक्स इनहेलर का कैसा ऐसे सूदिंग इफेक्ट होता है, पूरा श्वास नलिकाओं को उत्तेजना देता है, तो कितना अच्छा लगता है। उसी तरह से नागगोली जो रहता है, नागवल्लभ रस, सॉरी नागवल्लभ रस का भी प्रयोग करने से वही उत्तेजना आती है, इतना अच्छा लगता है, पूरा म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो रहता है क्लींजिंग टाइप रहता है, क्योंकि क्लींजिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि टंकन चार है, हिंगुल डाला हुआ है, ये पूरा क्लींजिंग कर देता है, और पेशेंट को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, और भूख भी अच्छी लगने लगती है, क्योंकि इसमें पिंपली डाला हुआ है, पिंपली जो है वो ग्रहणी कला को भी अच्छा उत्तेजित करती है, भूख अच्छी लगने लगती है, और फिर खाना खाने की इच्छा होने लगती है, और अरुचि जैसे कंडीशन है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा है कि यह एक तरह से, एक तरफ अगर हम लोग नागवल्लभ रस का प्रयोग कर रहे हैं तमक श्वास में, तो कभी कभी तो श्वास नलिकाओं का जो अभिषंदी गुण है, स्त्रोतोरोध है, उसको खुलेगा। दूसरा जो थकावट आ गई है, सांस ले लेके जो थक गया है, खांसी में भी इंसान थक जाता है, इतना खांसती आती है, इतना खांसी आती है कि थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये थकावट को भी दूर कर देता है। और जो गले में घर घर आवाज आ रही है, मैंने जो बताया कि रोंकाई और क्रिपिटेशन जैसे कंडीशंस होते हैं, आप लोग अस्कल्ट करके देख रहे हैं, जब श्वास ये नागवल्लभ रस का प्रयोग कर दिया जाए तो उसके बाद में रोंकाई में बहुत आराम पड़ जाता है। और पेशेंट ने अगर वमन कंडीशन नहीं है ठीक, मतलब अर्हता नहीं है उसकी कि वमन कर पाए, और हमारे पास ओपीडी लेवल पे पेशेंट आया, क्योंकि हर पेशेंट जो है मुंबई पुणे में हर पेशेंट के पास टाइम नहीं है कि वो 7 दिन स्नेहन स्वेदन कराएगा, फिर उसके बाद में वो वमन कराएगा, फिर संसर्जन क्रम कराएगा। आज के जमाने में टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, इंसान के पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन टाइम की कमी है। तो जो लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो उनके लिए नागगोली जो रहता है, नागवल्लभ रस, इसको हम चूसने के लिए अगर दे दें या इंटरनली दे, और कम मात्रा में, एक मुद्ग मतलब एक मूंग का दाल जितना रहता है जिसमें कवरिंग नहीं निकाला है, उतना एक पाव गुंजा से एक गुंजा तक, और यह मार्केट में मिलता है, आप लोग इसका प्रयोग करिए, आप लोग के हर अस्थमा के पेशेंट में इसका रिलीफ मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा फायदा होगा। केवल एक ही दवाई मत यूज करिए सब में, कि कनकासव दे रहे हैं, श्वास कुठार रस दे रहे हैं, फिर अभ्रक भस्म दे रहे हैं, एक ही दवाई नहीं, अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग क्या क्या बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है वह जानना बहुत जरूरी होता है। तो इससे प्राण वायु जो रहती है और उदान वायु, इनका कार्य बहुत अच्छा हो जाता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जब जंतु जन्य क्षय रहता है, ट्यूबरकुलिन बैसिलस की वजह से अगर ट्यूबरकुलोसिस जैसे कंडीशन हो रही है, और उसमें
कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उरा स्थान में कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें क्षयात्मक संप्राप्ति होती है, क्षय रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब नागवल्लभ रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से छोटे बच्चे जो रहते हैं, हाँ ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी कोरोना का थर्ड वेव आ रहा है, कोरोना के पेशेंट अभी हमारे पास आने वाले हैं थर्ड वेव में, तो छोटे बच्चों का कभी कभी क्या रहता है कि दुष्ट स्तन्य जन वो जब मतलब माता का जो कफ वर्धक आहार विहार कर रही है, वो दही बहुत खा रही है, दीवा स्वाप कर रही है, और फ्रूट्स खा के पानी पी रही है, और मधुर रस बहुत खा रही है, स्निग्ध पदार्थ बहुत खा रही है, और व्यायाम नहीं कर रही है, कफ वर्धक आहार विहार का सेवन कर रही है माताएं, और उनका जो दूध आ रहा है, जो कफ कफ दोष से खराब हुआ जो स्तन्य है वह अगर बच्चे ने पी लिया, तो उसका पेट में जब दूध जाएगा माता का, तो शिरालसक नाम का व्याधि हो जाता है, जो दूध है वो पचता ही नहीं है, आलसी की तरह पड़ा हुआ रहता है, और वह वहीं पे संचित रहता है, और ना उसको ना उल्टी आती है, पेट बिगड़ जाता है, बार बार वॉमिटिंग आती है, दूध पचता नहीं है, दूध डाइजेस्ट ही नहीं होता है, और उसको ना सफेद ऐसे उल्टी जैसी होती है, या फिर हुरलास होता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, कभी कभी ना उसको लूज मोशन होने लगते हैं, बच्चा जो रहता है वो सूख जाता है, मतलब उतना उसका नरिशमेंट नहीं हो पाता है, फिर उसको खांसी आती है, उल्टी आती है, बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा भी दूध पचेगा नहीं, इस तरह की कंडीशन आती है, और खांसी इतना ज्यादा आती है, इतना खांसी आती है कि बच्चा बेचैन रहता है, उसको कफ सिरप वगैरह पिलाया जाता है, लेकिन कफ सिरप पिला देंगे लेकिन भूख बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अग्नि मंद रहता है, वो भी माता के दूध के वजह से ऐसा होता है, ऐसे शिरालसक की कंडीशन रहती है, तब भी अगर हम लोगों ने इसका प्रयोग कर लिया, नागवल्लभ रस का प्रयोग कर लिया, बच्चे को हनी के साथ मिक्स करके चटा दिया, तो बच्चे का भी श्वास कष्ट ठीक हो जाएगा, क्लेदक का अच्छा हो जाएगा, और जो एक तो माता को भी दूध देना मतलब कफ वर्धक आहार विहार का सेवन बंद कराना पड़ता है, माता के लिए भी चिकित्सा करनी पड़ती है, कफ शामक त्रिकटू वगैरह देना पड़ता है माता को, और बच्चे का जो शिरालसक व्याधि हो गई, अलसक मतलब आलसी की तरह जो दूध रह रहे, उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से कभी कभी जो ये रहते हैं रिकेट्स रहते हैं विटामिन डी की कमी की वजह से, और जिसको हम पक रोग बोलते हैं, या जिसको हम लोग मुर्दूस बोलते हैं मराठी में, तो उस ऐसे कंडीशन में भी नरिशमेंट हो नहीं रहा है, उन सब में भी मैं आपको आंसर दूंगा गगन अग्रवाल जी, मैं आपको आंसर दूंगा, इस ये सब में क्या होता है कि जब रिकेट्स की कंडीशन रहती है, तो अस्थि धातु का पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है, रस का प्रीणन नहीं होता है, रक्त का जीवन कार्य नहीं होता है, मांस का लेपन कार्य नहीं होता है, अस्थि का धारण कार्य नहीं हो रहा है, धातु परिपोषण क्रम बिगड़ जाता है, उसके वजह से बच्चों के जो हाथ पैर रहते हैं वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, हड्डियों में बहुत ज्यादा ये वीकनेस आ जाती है, तो इन सब में धातु परिपोषण क्रम अच्छा होना चाहिए बच्चों के लिए। आप केवल कुमार कल्याण रस पे ही डिपेंडेंट मत रहिए कि कुमार कल्याण रस दे दिया, अरविंदासव दे दिया, और बच्चों के लिए मतलब वही दवाई पे मत करिए, नागवल्लभ रस का प्रयोग करके देखिए, तो इससे दीपन पाचन कार्य भी होता है, और बच्चों का जो बाल्यावस्था रहता है वो कफ का काल रहता है, उसमें कफ को शमन करने वाली मतलब विकृत कफ जो बढ़ा हुआ है उसको शमन करने वाली नागवल्लभ रस अगर दे दिया जाए, तो ये कफ को बैलेंस रखता है और बच्चों का ग्रोथ अच्छे होने लगता है। इसलिए रिकेट्स में जो मृदुस नाम की व्याधि मराठी में बोलते हैं, या फिर जिसमें बच्चों का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, बोन्स का ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कमजोर है, उन सब में भी इसका प्रयोग करने से नागवल्लभ रस का प्रयोग करके देखा गया है कि बहुत अच्छा फायदा होता है। इस पे एमडी का रिसर्च पेपर भी है, मैं आप लोगों को कभी शेयर करूंगा, नागवल्लभ रस का प्रयोग बच्चों में जब किया गया तो बहुत अच्छा फायदा हुआ है। इसी तरह से कफ का प्रमेह हुआ है, कफ के प्रमेह में हस्तिमेह होता है, लालामेह होता है, अच्छमेह होता है, पिष्टमेह होता है, ऐसे में कफ दोष बढ़ा हुआ रहता है। और आप लोगों ने प्रमेह इस प्राप्ति देखी होगी कि आविल मूत्रता बहुमूत्रता, कफ दोष जो रहता है वह मूत्र मार्ग से निकलने लगता है, और जैसा जैसा उसमें संप्राप्ति रहेगा वैसा वैसा मूत्र प्रवृत्ति होती है। हस्तिमेह में हाथी की तरह मूत्र त्याग होता है, लालामेह में लार सलाइवा की तरह मूत्र त्याग होता है, अच्छमेह में चावल के धुअन के पानी की तरह होता है, और सांद्र में सांद्र प्रसाद में आप लोगों ने देखा है पिष्टमेह में चावल के धुअन का चावल को पीस दिया है, चावल के पाउडर का मतलब जो आटा रहता है वो, और मिक्स करके पानी, उस तरह से मूत्र प्रवृत्ति होने लगती है। ऐसा जो कंडीशन रहती है उसमें भी कफ को पचाना जरूरी है, कफ दोष को बैलेंस करना जरूरी है। तो इसमें हिंगुल है, टंकन शार है, वत्सनाभ है, यह सब क्या करते हैं कि कफ दोष को बैलेंस करते हैं, कफ की स्थानता को कम करते हैं, कफ का द्रव गुण बढ़ा हुआ है, कफ का
जो भी कफ में जो भी विकृति आ गई उन सबको ये बैलेंस करते हैं, तो मूत्र का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, विशेष गुरुत्व है, वो बैलेंस हो जाता है, बार बार मूत्र जाने की प्रवृत्ति हो रही है, बहुत ज्यादा जो लाला स्त्राव जैसा लाला में हो रहा है वह बैलेंस हो जाता है, जो पिष्ट में होता है, जो चावल के धुवन की तरह मूत्र प्रवृत्ति हो रही है उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसलिए नागवल्लभ रस का प्रयोग हर तरह के कफज प्रमेह में भी करने से फायदा होता है। इसी तरह से पक्षाघात की कंडीशन रहती है, जब बहुत ज्यादा झटका आ जाता है, मतलब पैरालिटिक अटैक आने के बाद जब वो क्रॉनिक स्टेज में आ जाती है और जिसमें कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वायु का तो बीमारी है ही और हम लोग इसमें पक्षाघात हेतु सहसनय विरेचन कराते ही हैं, लेकिन उसमें कफ मतलब पेशेंट लेटा है क्रॉनिक अवस्था में है और उसके एक साइड पैरालिसिस हो गया है, कफ दोष ज्यादा बढ़ गया क्योंकि आस्य सुखम वह चाह नहीं रहे, लेकिन आस्य सुखम तो हो ही रहे, बैठे बैठे खा ही रहे, बैठे बैठे मधुर रस का सेवन हो ही रहे, मतलब वह न चाहते हुए भी वैसी पैथोलॉजी हो रही है जो कफ दोष को बढ़ा रही है। अव्यायाम है, ये सब तो हो ही रहा है, बैठे बैठे लेटे लेटे अग्निमंदता भी हो रही है, ऐसे सारी कंडीशन में नागवल्लभ रस का प्रयोग करते हैं तो कफ भूष्ट जो भी लक्षण है, मतलब वहां पे जो स्टिफनेस है, टेंडरनेस है, वायु और कफ दोनों को या मतलब एकदम प्राकृत अवस्था में लाता है, तो पैरालिसिस के कंडीशन में भी जहाँ पे कफ दोष के वजह से जो भी मतलब स्टिफनेस है और बहुत ज्यादा हार्डनेस है, गुरुता है, शिरो गौरव है, अंग गौरव है, मसल्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, जो शिरा और स्नायुओं में जो संकोच है कफ दोष की वजह से वह, और यहाँ वात कफात्मक संप्राप्ति को ध्यान रखना चाहिए, और टंकन है वह सब क्या है, वह सब वात कफात्मक संप्राप्ति को भंग करता है, स्रोतोरोध को दूर करता है, इसलिए शमन चिकित्सा के रूप में नागवल्लभ रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ लोग जो है इसको नपुंसकत्वा को मतलब जो नपुंसकत्व आ गई है, मतलब इंसान नपुंसक हो गया है और ऐसे उसको मतलब शुक्र धातु बन रहा है लेकिन वह उसको उत्तेजना नहीं आ रही, एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, तो नागवल्ली जो है मतलब तांबुल पत्र वो एक्साइटमेंट कराता है, यह कोई भी नर्व्स को स्टिमुलेट करता है इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। और कुछ लोग जो रहते हैं वो कफ के प्रकोप पे ध्यान देके इसका चिकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। नागवल्लभ रस में जो कस्तूरी है वह श्वास वाहिनियां जो रहती है, एल्वोलाइज और ब्रोंकियल्स, उनको ये खोल देती है, श्वास का श्वास लेना और छोड़ना इसको यह नियामक रहती है कस्तूरी, खासकर कस्तूरी के बारे में बता रहे हैं। फिर वात वाहिनियां जो रहती है मतलब जो नर्वस सिस्टम रहता है उसको उत्तेजना देती है, उसको स्ट्रांग करा देती है कस्तूरी जो रहता है, वह ब्रेन के लिए भी अच्छा है, स्पाइनल नर्व्स के लिए भी अच्छा है, क्रैनियल नर्व्स के लिए भी अच्छा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को ताकत देता है। इसी तरह हम लोगों ने देखा है कस्तूरी भैरव रस, वह उसमें क्या होता है कि नाड़ी की गति को अच्छा कर देता है, पल्स रेट को अच्छा कर देता है और बुखार को दूर करता है, पल्स रेट को बैलेंस करना जब सन्निपात की अवस्था रहती है, तो इसी तरह से कस्तूरी इसमें डाला हुआ है तो ये वात वाहिनियों को ताकत दे देता है। उसी तरह से श्वसन मार्ग को भी उत्तेजित करता है, श्वसन मार्ग का भी जो नर्व्स का प्लेक्सिस है उसको ये ताकत दे देता है, तो श्वास प्रश्वास अच्छे से होने लगता है। उष्ण विरयात्मक कस्तूरी होती है, रसायन का कार्य करती है, वाजीकरण का कार्य करती है, नए नए सेल को बनाना और शुक्र धातु को अच्छा करना यह कार्य कस्तूरी करती है। टंकन शार जो है वो आक्षेप को दूर करती है, जब झटके आने लगते हैं श्वास प्रश्वास में, कास में झटके आने लगते हैं, रिफ्लेक्सेस आने लगते हैं बार बार, उसको ये आक्षेप को ये कंट्रोल कर देती है, कफ को दूर करती है, कास और श्वास को दूर कर देती है। केसर जो है वो उत्तेजना देती है, कफ को शमन करती है। हिंगुल है वो जंतुघ्न है, मतलब जंतुओं का नाश करती है, जो प्रतिशय है उसको भी दूर कर देती है, और स्वेदल प्रवृत्ति वाली है, रसायन का कार्य करती है। पिप्पली जो है वह दीपन पाचन करती है, क्लेदव कफ को नियमित करती है, ग्रहणी कला पे काम करती है, अग्नि को बढ़ाती है, आम का पचन करती है, कफ को बैलेंस कर देती है, और रसायन का कार्य करती है ग्रहणी कला और श्वास नलिकाओं के लिए, इसलिए वर्धमान पिप्पली रसायन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अक्कर कारा जो है वो उत्तेजना देता है, कफ का शमन कर देता है। जायपत्री है वो वेदना का शमन करती है, इसलिए जायपत्री का भी यहाँ महत्व रहता है, कफ को दूर करती है, वात को हरती है। उसी तरह से वत्सनाभ है वो वेदना का शमन करता है, स्वेद प्रवृत्ति को अच्छा करता है, कफग्न है शोभ नाशक है, वह जो भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है क्रॉनिक अवस्था में उसको ठीक करता है, ज्वर को दूर करता है वत्सनाभ। अगर श्वास कास में अगर ज्वर भी है परतंत्र व्याधि के रूप में या परतंत्र लक्षणों के रूप में उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है वत्सनाभ, अपने वीर्य से कफ को पिघला देती है और सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है, हर स्त्रोतस में जाके अपना काम करती है। वैवाही और विकासी है क्योंकि विष है, उपविष के अंडर में यह वत्सनाभ आता है, तो वैवाही और विकासी हर स्त्रोतस में चले जाती है।
और यह कम मात्रा में 4 तोला ही डाला है, बाकी दो और भी मेडिसिन ऐसे बैलेंस करके डाला है कि वत्सनाभ का दुष्परिणाम नहीं होता, उल्टा पॉजिटिव इफेक्ट आने लगता है। और यह पसीने के द्वारा सारा जो क्लेद है उसको निकाल देती है। जब क्लेद निकलेगा तो वहां पर न कफ दोष भी बैलेंस हो जाता है। उसी तरह से मूत्र द्वारा भी यह क्लेद को निकाल देती है, मूत्रल भी है। मतलब वत्सनाभ का सेवन करते हैं ना, आप लोग त्रिभुवन कीर्ति का प्रयोग करके देखिए, त्रिभुवन कीर्ति लेने के बाद ना मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होने लगती है, जो क्लेद है ना वो निकलने लगता है, अम्बुवस्त्र बैलेंस हो जाता है, तो उससे भी पेशेंट को काफी रिलीफ मिल जाता है। इस तरह से मैंने नागवल्लभ रस बता दिया। अब हम लोग अगर श्वास का संप्राप्ति देखेंगे तो श्वास की संप्राप्ति में आप लोगों को पता है कि मिथ्याहार विहार करने की वजह से वायु का प्रकोप हो रहा है, दूसरा कफ का प्रकोप हो रहा है, और अन्न वस्त्र उदक व स्त्रोतस और प्राण व स्त्रोतस में दुष्टि होती है। अन्न व और उदक व स्त्रोतस की दुष्टि जब हो जाती है तो आमाशय में जो विकृत क्लेदक कफ है वह बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, और आम की उत्पत्ति होती है जब अन्न व स्त्रोतस में अग्निमान्य हो जाता है मिथ्याहार विहार करने की वजह से, और उदक व स्त्रोतस में दुष्टि होने की वजह से अग्निमान्यता होती है, क्लेदक कफ बढ़ जाता है, आम की संचिति होने लगती है, और आम की संचिति इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि पूरा स्त्रोतस अवरुद्ध हो जाते हैं, और जो प्रकोपित क्लेदक कफ है वह और आम दोनों मिलके विमार्गमन करते हैं। विमार्गमन करने के बाद वो अवरोधात्मक संप्राप्ति करते हैं, प्राणव स्त्रोत में जाके बैठ जाते हैं, और वह कफ कफ बहुत ज्यादा भर जाते हैं, और इसके वजह से जो बाहर का जो अंबर पीयूष है प्राण, वह प्राणवायु वह अच्छे से जा नहीं पाता, और श्वास कृचता होती है, और श्वास की गति बढ़ जाती है, और श्वास रोग होता है। दूसरी तरह से प्राणव स्त्रोत में वायु का प्रकोप जब होता है तो प्राण वाहिनियां जो रहती है, मतलब श्वास नलिकाएं रहती है, उसमें रुक्षता आ जाती है, काठिन्यता आ जाती है, और संकोच होने लगता है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। इसलिए प्राणवा स्त्रोत की वजह से वहां पर जब कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, वायु की तरफ से अगर देखें कफ को हटाइए, वायु के अगर अवरोधात्मक संप्राप्ति हो रही है, वायु रुक्ष गुण से बढ़ा है, वहां एलुलाइज और ब्रोंकियल्स है, वहां पर संकोच हो रहा है, काठिन्यता बहुत ज्यादा आ रही है, तो अवरोध ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसीलिए वो श्वास प्रश्वास नहीं होगा, और श्वास की गति बढ़ जाती है। तो ऐसे सारे कंडीशन में यह क्या करता है कि वायु को अनुलोमित करता है। वायु अब क्या है कि नागवल्लभ रस का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें घृत पान नहीं कराना है, हमें घृत पान घृत के अनुपान के साथ भी इसका सेवन कराना है। मतलब जैसे जैसे कंडीशन, अगर रुक्षता बहुत ज्यादा है तो घृत पान कराना बहुत जरूरी है, अगर कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट चूसने के लिए देना है। तो कंडीशन कंडीशन के हिसाब से कौन सी कल्पना देनी है। जैसे कुछ लोग वैद्य लोग क्या करते हैं कि कफ को निकालने के लिए नागवल्लभ रस को चूसने के लिए दे दिया, बाद में और ठीक करना है तो पिपल्यादि घृत हो गया, कंठकारी घृत हो गया, घृत हो गया, अदरक सिद्ध घृत हो गया, इसके सेवन इसके साथ घृत भी जाए, और या लोग तिक्त रसात्मक द्रव्य भी देते हैं, जैसे महातिक्त घृत दे दिया, गूगल तिक्त घृत दे दिया, उनके साथ भी नागवल्लभ रस का प्रयोग कराते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने आप लोगों को श्वास बता दिया। अब कास्ट का अगर हम लोग देखेंगे, संप्राप्ति अगर देखेंगे ना, वह भी हम लोग देखते हैं तो उसमें अपान वायु की दुष्टि रहती है। अपान वायु क्या करता है, अपान वायु जो रहता है वह उदान वायु को बहुत ज्यादा प्रतिलोमित कर देता है, अपान से ही शुरू होता है, ऐसा कास्ट में आप लोगों ने देखा है। और उसमें मेन तो ऐसा बताया है कि हेतु सेवन बहुत ज्यादा होता है, हेतु सेवन करने के बाद उसमें कफ प्रकोप होता है। मैं कास्ट का फिर से संप्राप्ति बताता हूँ, हेतु सेवन होता है, कफ का प्रकोप होता है, स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति होती है, वायु का प्रकोप हो जाता है, वायु प्रतिलोमित हो जाता है, और विशेषतः अपान वायु पक्वाशय में रहने वाला अपान वायु जो है, पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्राशी स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वादानम विशेषतः, पक्वाशय जो रहता है वो मूल स्थान बताया है वायु का, कटु अवस्था पाक के बाद में वायु वहीं पे निर्मित होता है। तो अगर अपान वायु दूषित हो रही है और वह जाके अपान वायु ऊर्ध्व गति को जा रही है, वो नॉर्मल गति उसका नीचे है, नाभि से नीचे जाना चाहिए, लेकिन वह ऊपर की तरफ आ रही है, तो वह उदान वायु को इम्बैलेंस करती है, और उदान वायु जो रहता है वो अधिक मात्रा में ऊर्ध्व गति में जाने लगता है, और उसके वजह से प्राण प्राण को भी इम्बैलेंस करता है, क्योंकि प्राण की गति नीचे है उदान के ऊपर है, तो यह क्या करता है, इम्बैलेंस होने लगता है, और एक तरह से संघर्ष होने लगता है। जब संघर्ष होता है तो यह संघर्ष बढ़ के, और दूसरे तरफ से कफ का भी प्रकोप है, कफ भी वहां सभी जगह संचित हुआ है, इसमें कफ कफ की वजह से स्त्रोतोरोध हुआ है, यह तो है अपान वायु भी और कफ दोष भी, इसके वजह से उर में कंठ में और यहाँ जितना भी है वहां पर अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है, वहां पर वायु का प्रकोप ज्यादा होने लगता है, कफ का स्त्रोतोरोध बहुत ज्यादा रहता है, तो मुख से
सकफ वायु जोर से निकलती है और उसको हम खांसी बोलते हैं, और उसके जब वो निकलता है तो कान से पात्र जो रहता है, उस तरह का जो टूटा हुआ कान से पात्र है, उस तरह का आवाज आता है और उसको ही हम कास व्याधि बोलते हैं। इन सब कंडीशन में अगर हम लोगों ने नागवल्लभ रस का प्रयोग करा दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब मैं इसमें जो कंटेंट्स है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ये मेडिसिन कैसे काम करता है, और वो हम लोग केवल इस पे ध्यान देंगे कि ये मेडिसिन श्वास व स्रोतस में, श्वसन संस्थान में कैसे काम करता है। पिपली के बारे में ऐसा बताया है कि पिपली तिपनी वृषा स्वादु पाका रसायनी अनुष्णा कटुका स्निग्धा वात श्लेष्म हरी लघु। देखिए वात और श्लेष्म हरी ऐसा बताया, वायु और श्लेष्मा पे ये काम कर रहा है। इसमें ऐसा बताया है कि श्वसन संस्थान में पिपली जो है वो कफ श्वास में मतलब कफ से उत्पन्न, जिसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग को ये छोड़ देना चाहिए कि जो महाश्वास ऊर्ध्व श्वास वो तो नाम दिया ही है, लेकिन कफ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है इसलिए मैं यहाँ कफ श्वास बोल रहा हूँ, जबकि ये हम लोग को समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ जिसमें कफ दोष ज्यादा है। ऐसे हम नाम देखेंगे तो शुद्र श्वास, फिर उसके बाद में महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, तमक श्वास, ये तो नाम है ही, लेकिन जिसमें कफ ज्यादा है उसमें पिपली का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा करता है। कफ जो रहता है वो पिघलने लगता है और नया मल रूपी कफ की निर्मिति रोक देता है। मल जो मतलब विकृत जो है उसको ये रोक देता है पिपली। और दूसरा है कि रसादि धातु विमल हो जाते हैं, राजयक्ष्मा में भी बहुत ज्यादा काम करता है, रक्त का रसायन के रूप में मतलब रक्त धातु में रसायन का कार्य पिपली करता है, क्योंकि यकृत पे काम करता है और रक्त व स्त्रोतस पे काम करता है। पिपली का कार्य क्षेत्र जो रहता है वह रक्त धातु पे रहता है, रक्त धातु में आम रहता है, कफ रहता है, उसको ये पचा देता है इसलिए, और यकृत को उत्तेजना देता है इसलिए रक्त धातु और रक्त के फेन भाग से ही फुफ्फुस बना हुआ रहता है, रक्त का जो झाग रहता है उससे फुफ्फुस बना रहता है, तो यह रक्तगामी है, रक्त का रसायन है, इसलिए ये नए नए फुफ्फुस के सेल्स को नया बनाता है, रीजेनरेट करता है, इसलिए पिपली डाला हुआ है नाग वल्लभ रस में। और यह अग्नि मंदता को भी ठीक कर रहा है, क्लेदक कफ को भी बैलेंस कर रहा है और प्लीहा वृद्धि पे भी काम कर रहा है। कोई भी कारण से अगर प्लीहा वृद्धि होती है तब भी श्वास लगता है, अगर हिपेटो में गले तब भी श्वास लगता है, तो ऐसा बोलते हैं श्वास है तो यकृति, श्वास रोग में चिकित्सा करना है तो यकृत पे चिकित्सा करना चाहिए, तो यकृत। और ऐसे आप लोग देखेगा श्वास व्याधि में कभी कभी आरोग्य वर्धिनी अगर दे दिया, हमने दीपन पाचन कर दिया और यकृत पे कार्य किया, उससे भी श्वास व्याधि में बहुत अच्छा फायदा होता है। तो ऐसे ही यकृत गामी और रक्त धातु पे काम करने वाली हम लोगों ने पिपली का अगर सेवन कराया तो क्यों ना श्वास है तो यकृति ऐसा चिकित्सा बताया ही है, यकृत अच्छा हो जाएगा, पाचक पित्त का स्त्राव अच्छा होगा, क्लेदक कफ अच्छा हो जाएगा, क्लेदक कफ हो जाएगा जो विमार्गमन हुआ है वो नॉर्मल अपने स्थान पे आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, तो फिर श्वास और ये फुफ्फुस को भी ताकत दे रहे हैं, वहां पे रीजनरेट भी कर रहे हैं, रक्त धातु अच्छा लेके जा रहे हैं फुफ्फुस पे, अपने आप उसका फायदा अल्टीमेटली यही होगा कि श्वास कास व्याधि में फायदा ही होगा। दूसरा पिपली का हम लोग रस विरे विपाक देखेंगे तो यह कटु कटु उष्ण रहता है, जब शुष्क अवस्था में रहता है, कटु रस, कटु विपाक और उष्ण रहता है इसलिए बहुत अच्छा फायदा करता है। मैं एक मिनट गड़बड़ा रहा हूँ, विपाक इसका मधुर रहता है ना, एक मिनट, हाँ एक मिनट, पिपली जो रहता है वो कासर गण में बताया, हिक्का निग्रहण गण में बताया, दीपनीय गण में बताया है, और यह कटु रस होने की वजह से कफ शामक रहता है, स्निग्ध होने से वात का शमन करता है, और गीला होता है वो मधुर रहता है, पित्त का शमन करता है। एक मिनट में एक श्लोक में देखता हूँ, मैं थोड़ा गड़बड़ा रहा हूँ। पिपली दिपनी वृषा स्वादु पका रसायनिक अनुष्ण कटुका स्निग्धा, अनुष्ण अनुष्ण रहता है, ना ज्यादा शीत रहता है ना उष्ण रहता है, अनुष्ण रहता है और विपाक इसका मधुर रहता है ऐसा बताया है ग्रंथों में। उसी तरह से जातिफल अगर हम लोग देखेंगे तो जातिफल के बारे में बता रहे हैं कि जाति फलम जाति कोशम मालती फलमित्यपि जाति फलम रसे तिक्तम तिक्तोष्णम रोचनम लघु कटुकम दीपनम ग्रही स्वरम श्लेष्मा निलापम। ये कफ और वायु का संप्राप्ति को ठीक कर रहा है, नियंति मुख वैरस्य मल दौर्गंध कृष्णता। अब इसको अगर हम लोग देखेंगे जाति फल को, जायफल जो बोलते हैं, तो जायफल जो रहता है वह कफ निस्सारक है, कफग्न कार्य करता है, इसलिए पीनस में, श्वास में, कास में, सब में काम करता है, और यही जायफल जो है वह नागवल्लभ रस में डाला हुआ है। उसी तरह से जाति पत्री अगर हम लोग देखेंगे, जायपत्री डाला हुआ है, तो जायपत्री जो है यह मुख का शोधन करता है, फिर फुफ्फुस में अगर कोई भी व्रण हुआ है उसका रोपण करता है, उसी तरह से यह उत्तेजना देता है। और इसमें बताया है कि जायपत्री जो रहती है
वह तीनों दोषों का शमन करती है, उत्तेजना देने का काम करती है, और नागवल्ली भी है वह भी उत्तेजना देने का काम करती है, इसलिए इसमें नागवल्लभ रस में जयपत्री डाला हुआ है। उसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे केशर डाला हुआ है, केशर का काम ऐसा बताया कि कुमकुम पारसिकम यन मधुगंधि तदीरितम ईषत पांडुरगम तद स्थूल केसरम कुमकुम कटुकम स्निग्धम शिरारुग व्रण जंतुजित तिक्तम वमिहरम वर्णम व्यंग दोष त्रयापम। तीनों दोषों को शमन करता है, और ऐसा बता रहे हैं कि यह हृदय विकारों में भी काम करता है, श्वास कृच्छता में भी काम करता है, और रक्त के विकारों में भी काम करता है, और केशर जो रहता है वो वर्ण भी रहता है, और इसमें इसलिए डाला हुआ है क्योंकि यह रक्त धातु पे अच्छा काम करता है, शुक्र धातु पे अच्छा काम करता है, और यकृत पे अच्छा काम करता है। और जब ये मेडिसिन इस तरह से डिजाइन करके बनाया गया है जिसमें केशर है कस्तूरी है, तो उसका प्रभाव अलग ही पड़ता है, जो श्वास का इसमें मतलब लंग्स को ताकत दे देता है। इसमें अक्कल कारा डाला हुआ है, तो अक्कल कारा के बारे में बताया कि अक्कल को कोष्णो वीरे न बलकृत कटको मता प्रतिशयम च श्रोतम च वातम च विनाशित। प्रतिशय में भी काम कर रहा है, श्रोत में भी काम कर रहा है, मतलब जहां पर भी स्वेलिंग है, इंफ्लेमेटरी कंडीशन है श्वासवा नलिकाओं में, तो उसमें भी अक्कर कारा जो रहता है वो बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो कार्य क्षेत्र होता है अक्कर कारा का वो हृदय और फुफ्फुस रहता है, मतलब फुफ्फुस को ये बल देता है, इसलिए अक्कर कारा डाला हुआ है। श्वास भी अच्छा करता है, कास भी अच्छा करता है। वत्सनाभ जो डाला है, वत्सनाभ जो रहता है वह कफग्न है और श्वसन केंद्रों में ताकत दे देता है, इसलिए वत्सनाभ डाला है। और उर स्थान में अगर श्रोत है उसको ठीक कर देता है। वत्सनाभ के बारे में बताया कि विषम प्राणहरम प्रोक्तम वाही च विकासी च आग्ने वातकर हृद्रोग वाही मंदावहम तदेव युक्ति उक्तम तु प्राणदायी रसायनम। अगर इसका युक्ति पूर्वक प्रयोग कर दिया जाए तो यह प्राण प्राणदायी रहता है, रसायन का कार्य करता है। योग वाही त्रिदोष अग्नम, जिस मेडिसिन के साथ रहेगा वो योग वाही का कार्य करेगा। और बृहणम वीर्यवर्धनम, कम मात्रा में उपविष होकर भी बहुत ज्यादा ताकत दे देता है। और ऐसा बता रहे हैं कि कास और श्वास में शोथग्न है, ज्वरग्न है, मूत्र प्रवृत्ति को अच्छा करता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, और हर बात कफ संप्राप्ति में वत्सनाभ का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। इसी तरह से मोचरस डाला हुआ है, तो मोचरस जो है वह ऐसा बताया गया है, श्लोक में ऐसा बता रहे हैं कि यह जो रहता है यह इसमें भी यह श्लेष्म और वात इसमें बहुत अच्छा काम बताया है। और मोचरस जो रहता है वह स्तंभक है, अगर कफ जो बहुत ज्यादा निकल रहा है अगर कम मात्रा में उसको यह स्तंभन कर देता है मोचरस। और दूसरा ये बता रहे हैं कि यह शैथिल्यता अगर आई है, फुफ्फुसों में शैथिल्यता आई है, मतलब लूज पड़ गया है, तो मोचरस अगर देंगे कषाय रस से उसको ताकत दे देता है। कषाय रस से कसैलापन बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पे मतलब ताकत दे देता है फुफ्फुस को, शैथिल्यता को दूर कर देता है, इसलिए मोचरस डाला हुआ है। अब दो द्रव्य है जो टंकन क्यों डाला हुआ है, टंकन के बारे में ऐसा बताया गया है कि टंकन जो रहता है आदो क्ले देती पश्चात विशोषेती। टंकन शार जो डाला हुआ है वो उत्तम कफ निसारक है, जठराग्नि का प्रदीपक है, मतलब जो क्लेदक कफ विकृत होकर आमाशय में बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर कोटिंग किया हुआ है उसको ये क्लींजिंग कर देता है, तो फिर पाचक पित्त का स्त्राव अच्छा होने लगेगा। पाचक पित्त का स्त्राव अच्छा होने लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वह विकृत कफ को पचा देगा पित्त अपनी उष्मा की वजह से, और पित्त का पित्त को ये अच्छा प्राकृत अवस्था में ला देता है। श्वास का इसमें अच्छा काम करता है। वात रोगों में यह टंकन शार का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। और अपने जितने बड़े बड़े जो श्वास और कास की दवाइयां हैं, जैसे आनंद भैरव रस है, कनक सुंदर रस है, फिर ये है प्रताप लंकेश्वर रस है, त्रैलोकी चिंतामणि रस, जो श्वास कास में और फुफ्फुस पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है वो दवाइयों पे बहुत अच्छा काम करता है। हिंगुल डाला हुआ है तो ये रेड सल्फाइड ऑफ मर्कुरी ऐसा बोलते हैं, तो इस यह तिक्त कटु कषाय रसात्मक रहता है, वीर्य में उष्ण रहता है, दीपन रहता है, रसायन रहता है, बल्य रहता है, वाजीकरण रहता है, और ये मंदाग्नि पे अच्छा काम करता है, ज्वर में अच्छा काम करता है, अम्ल पित्त में, हुरलास में, कामला में, प्लिया रोग में, आमवात में, गर्विष में, हर तरह से हिंगुल का प्रयोग जो रहता है योगवाही के रूप में करते हैं, अग्नि को अच्छा करता है, और प्राकृत कफ को यह कफ को प्राकृत अवस्था में ला देता है, फुफ्फुस को ताकत देता है। हिंगुल का आप लोग प्रयोग करते ही हैं अलग अलग मेडिसिन के रूप में, हिंगुल का हम लोग जैसे हिंगुलेश्वर रस देते हैं, आनंद भैरव रस देते हैं, कनक सुंदर रस देते हैं, त्रिभुवन कीर्ति रस में भी हिंगुल है, वात कफ संप्राप्ति में ठीक करता है, कस्तूरी भैरव रस में हिंगुल है, वसंत माल्यती रस में, स्वर्ण मालिनी वसंत में भी हिंगुल है, ज्वर मुरारी रस में भी है, दरद वटी में है, रस गर्भ पोटली रस में है। तो इसीलिए ना ये सारी मेडिसिन इस तरह से बनाई है जो श्वास और कास में फायदा करती है। आप लोग ना नागवल्लभ रस का प्रयोग करके देखिए, जिसको चाहिए मेडिसिन
थोड़ा मैं सैंपल पहले भेजूंगा, आप लोग श्वास कष्ट के पेशेंट को यूज करिए और फिर इसका रिजल्ट देखिए। आप श्वास कुठार रस का रिजल्ट देखिए, कुछ लोगों को आप कनकासव का प्रयोग करके देखिए, कुछ को तांबुल लेहम का प्रयोग करके देखिए, कुछ को पिपली रसायन का प्रयोग करिए और नागवल्लभ का एनालिसिस करिए, चंद्रामृत रस दीजिए, चित्रकादी वट्टी दीजिए और इसका प्रयोग करके देखिए। तो आप लोग ना, जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव किया अपने प्रैक्टिस में और अपने सर लोगों के पास भी देखा है, वो लोग ज्यादातर इसका प्रेफरेंस देते हैं, इसका आप लोग भी प्रयोग करिए। अब मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ और हम लोग ना संभाषण करेंगे 5-10 मिनट। आप लोग को कोई भी डिफिकल्टी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कृपया एक बार चेक करिए आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या। यस सर। जी आपने अनुरीता जी कभी, हाँ सर, अनुरीता जी आपने कभी यूज किया है क्या नागवल्लभ रस? सर मैं ये सारा चीज यूज करती हूँ, ये सारे चीज की वजह त्रैलोक की चिंता मनी और ये बहुत वस्तनाभ होने की वजह से फास्ट काम करता है ना। मैं केवल अकल काढ़ा भी यूज करती हूँ सर, मिलता नहीं है हमारे अहमदनगर, बहुत मिलता है। बहुत अच्छा बताया। और किसी को कुछ पूछना है क्या, कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करना है तो अभी करिए, नहीं तो हम रात को 8 बजे मिलेंगे। हेलो सर, प्रणाम सर। हाँ जी प्रीति जी। सर मुझे केस डिस्कस करना था तो रात में करूँ क्या सर? अभी भी कर सकते हैं लेकिन अभी लोग के पास टाइम है क्या, पूछिए आप लोग। सर करने दीजिए, एक केस डिस्कस करना। ठीक है, एक केस बताइए प्रीति जी। ठीक है सर, एक पेशेंट आई थी सर, 64 इयर्स की थी, 45 kg वेट था। उनके हाथ पर बहुत ज्यादा हिल रहे थे, यानी हाथ तो कंटिन्यू हिल रहे थे और कमर वो बैक एक कमजोरी, नींद नहीं आना। उसका नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है 2015 में, उसके बाद से उनका ज्यादा प्रॉब्लम पड़ गई थी। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, मतलब 5-6 दिन जाती ही नहीं है वो, और 5-5 दिन के बाद वो काला नमक और नींबू पीती है, फिर उसके बाद उसको 2-3 टाइम मोशन हो जाती है, फिर 5-6 दिन और नहीं होती। और मूत्र विसर्जन उसको 14-15 बार जाती है दिन में, रात में भी जाती है। अगर मूत्र विसर्जन नहीं किया तो उसका पेट ही भारी लगने लग जाता है। और फ्रिज का ही खाती है, मतलब फ्रिज का पानी पीती है, फ्रिज में से कुछ भी खाती है, बासा खाना खाती है, ये ज्यादा पसंद है। घी वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाती, रुक्षण नहीं खाती है। और तो सर इसमें क्या करना चाहिए, मतलब आप, मेरा आज फर्स्ट टाइम ही केस ली सर, तो थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा केस है, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं चाहता हूँ कि कोई और भी इस पे अपना ओपिनियन दे, कोई बताएगा इस पे कुछ ट्रीटमेंट? डॉक्टर स्नेहा जी आप बताएंगी कुछ ट्रीटमेंट? डॉक्टर नितिन बंसल जी, प्रतिभा जी आप कुछ बताइए ट्रीटमेंट? मैंने अभी सर उनका आम पाचन किया है और दशमलारिष्ट वगैरह दिया, अभी आज इतना ही दिया और अस्थि मज्जा पाचक चूर्ण दिया, बाकी मुझे कुछ समझा नहीं, तो मैंने भी सोचा कि आपसे परामर्श लेके करूंगी सर आगे। जी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और लोगों को भी हम प्रमोट करें ना, लोग बोलना सीखें। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। डॉक्टर गौतम जी, डॉक्टर गगन अग्रवाल जी आप कुछ बताएंगे? डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी, डॉक्टर आकांक्षा जी आप कुछ बताइए ना ये केस में। डॉक्टर रितिमा जी, हेलो। हाँ जी आकांक्षा जी बताइए। जी सर, सर इसमें पेशेंट की एज के हिसाब से भी थोड़ा सा, मतलब सीधा लक्षणों से तो दिख ही रहा है कि वात क्वेश्चन में बढ़ा हुआ है, वात का चल क्यों बढ़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो पेशेंट को अभ्यंग करवाएंगे या स्नेहन शोधन से भी इनको बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। आम पाचन ये कर ही रही हैं, तो एक नॉर्मल अगर एक मेडिसिन अगर ये स्टार्टिंग करें, अगर जैसे सुबह में एक रसायन करें और बाकी रात में अनुलोमन दें, और साथ में अगर पाचक पित्त की विकृति है तो फिर पाचक पित्त पे भी थोड़ा सा काम कर लें, और साथ में पहले तो हेतु हेतु का सारा जो भी चीजें इनकी गड़बड़ है उनको ठीक करें, ठीक है। और साथ में एक रात में अगर मतलब बस्ती की शुरुआत करेंगे, अगर ये दशमूल धन्वंतर भी देंगे तो पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिल सकता है इसमें। ओके ठीक है। अभी मैंने मैम तो रात में गंधर्व हरिण की चूर्ण दिया है, अनुलोम, हाँ, एक चम्मच कोमट पानी में बोला है उनको, अगर नहीं हुआ बोली तो फिर एरन स्नेह विचार करेंगे, ऐसे मैंने सोच के रखा है। हाँ चलेगा, वो भी दे सकते हैं आप। और उनको घी बताया है पर वो घी के लिए नहीं बोल रही थी, यानी नहीं ओरली नहीं पेशेंट ले सकता है, तो आप अभ्यंग के रूप में दे दीजिए उनको, कोई बात नहीं, क्योंकि वात को किसी भी तरह से शमन करना है, क्योंकि सारे चलात्मक गुण बढ़ा हुआ है पेशेंट को, है ना। हाँ, तो मेन इससे शुरुआत करिए और रात में, क्योंकि, और साथ में आपने शायद मूत्र की
की प्रवृत्ति भी रात में ज्यादा है, तो थोड़ा सा क्लेदन हाँ हाँ मतलब मूत्र मतलब थोड़ा सा एक प्रमेह की तरफ तो पेशेंट नहीं जा रहा है, उसका थोड़ा सा फाइंड आउट करिएगा थोड़ा नहीं हिस्ट्री चेक में। किया मैम, चेक किया, नहीं हो, नहीं है मैम, नहीं नॉर्मल मतलब फील हुआ। आप हिस्ट्री पे मत जाइए, आप अपनी संहिता हाँ में हाँ जैसे वाग्भट है आप उसमें प्रमेह का अच्छा चैप्टर निकालिए, निदान का चैप्टर निकालिए, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वातपित्त कफज हाँ प्रमेह हाँ उसमें से उनको पूछिए, और पेशेंट को पूछे कि यूरिन में आपको यूरिन में कुछ गाढ़ापन तो नहीं आ रहा है, पीलापन तो नहीं आ रहा है, मतलब उसका कोशिश करिए जानने की, हाँ क्योंकि हाँ जरूरी नहीं कि हाँ रिपोर्ट में आ जाए, क्योंकि अनलेस एंड ओके हाँ एंटिल मतलब अगर 4 से 5 बार पेशेंट जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो विकृति है, तो इस पर हमको ध्यान हाँ देना हाँ जरूरी है, तो थोड़ा सा उस पर कार्य करिए, तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट एक स्पेसिफिक में बता सकूंगी, अभी कोई और अगर बताएगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना मैम, थैंक यू मैम। और कोई अपना केस बताना चाहते हैं क्या? कोई क्यों केस पूछना है, डाउट पूछना है या कुछ बताना है, सक्सेस स्टोरीज तो बता सकते हैं। सर एक बात पूछूं, हाँ पूछिए ना। सर एक 13 साल की लड़की आई थी मुखपाक का कंडीशन में, लेकिन हाँ मैंने 13 ही साल की उसका कोई मतलब रात का जागरण या कुछ ऐसे हेतु वगैरह सब कुछ पूछने के बाद में 1 महीना से उसको मुखपाक था, 1 महीना से, फिर उसका हिस्ट्री लिया गया, हाँ बताइए। 1 मिनट है सर, तो उसका हिस्ट्री लेने के बाद में पता चला कि जो लॉकडाउन के मतलब थोड़ा सा उसको पूछते वक्त में रोना आ गया, तो विभेति ये उसके अंदर लक्षण था, मतलब अचानक से इमोशन होके अचानक डरना, जबकि घर में कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, मम्मी पापा दो भाई बहन है, ये बड़ी बेटी थी उनकी, और दूसरा चीज पता चला कि उसको जस्ट 2 महीना पहले मेंसेस आया है, उसको 1-1.5 महीना से मुखपाक का लक्षण था, मेंसेस आया तो कुछ ऐसे हेवी ब्लीडिंग वगैरह नहीं, नॉर्मल मेंसेस, पेशेंट भी बहुत समझदार लगी, और उस इसमें उसको जस्ट पहली बार कल परसों ही कंसल्टिंग किया मैंने, संभाषण में नहीं रखा वो, जो लॉकडाउन के पीरियड से पहले उसका मैंने पूरा पूछा, परिचर्या तो बहुत अच्छा था, मतलब जो भी एक्टिविटी जो हम जिस एक्टिविटी में विहार वगैरह हमारा जो रहता है राइट टाइम शेड्यूल्ड रूटीन जो रहता है उस वक्त में उसको कोई दिक्कत नहीं था, कोई अवष्टम या मलावष्टम में ऐसी भी कोई हिस्ट्री नहीं, लेकिन जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो मार्च अप्रैल के बाद से उसका अग्नि मतलब थोड़ा सा दूषित होने की शुरुआत हो गई, क्योंकि सिडेंटरी लाइफस्टाइल, खेलना नहीं, तो ये सारी चीज की वजह से, तो मैंने इसका अनुमान मतलब क्योंकि वो मतलब किसी भी स्ट्रेस के बगैर रोती थी, तो ये लक्षण मुझे पित्त की मतलब पित्त प्रकोप का ही लगा, क्योंकि पित्त की वजह से मार्दवता आती है, और दूसरा चीज उसमें मुखपाक मतलब पूरी लाल कलर की जीभ, पूरी लाल कलर की जीभ, तो अब फिलहाल शुरुआत में देते वक्त में मैंने उसको क्योंकि पेशेंट का उसका कंडीशन अभी विरेचन या कोई से शोधन चिकित्सा के लिए नहीं था, इसलिए मैंने गैरिक और जो पित्त शामक द्रव्य है उसका अभी सिर्फ घृत के साथ में ये दिया है, दाढ़ीमाऊ ले दिया है, और उसका इन्वेस्टिगेशन करने डाला है, क्योंकि 1.5 महीना से मुखपाक के लिए उसने एलोपैथिक भी ट्रीटमेंट लिया है, तो जो बाकी सब लोग जो रूल आउट वगैरह करते वो सब कुछ करने के बाद में, लेकिन मुझे ऐसे लगता है सर जो 2 महीने पहले उसका मेंसिस आया, और मेंसेस आने की वजह से क्योंकि 13 साल की उम्र उतना मैच्योर एज नहीं रहता है कि जिसमें बच्चे उसको इस हार्मोनल इम्बैलेंस को या जो भी रस दुष्टि या जो भी आर्तव वाहिनियां या आर्तव दुष्टि और हमारी जो गर्भाशय के प्रति जो भी चेंजेस आते हैं उसको वो झेल नहीं पाने की वजह से वात प्रकोप हो सकता है क्या सर, क्योंकि उसका ऐसे कोई भी दूसरा रूट नहीं, मैंने वैसे भी हेतु बताते वक्त मैं बेकरी बंद करा दिया है, चाय कॉफी वगैरह वैसे लेती नहीं है वो, लेकिन एक्टिविटी को बोला है फिर मैंने कि आपने आप, चिकित्सा क्या दिया? अभी तो सर सिर्फ मैंने दीपन दिया है, उसके बाद में अनुलोमन के लिए सिर्फ गंधरवारी तक ही दिया है, और मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा उसको, लेकिन गैरिक और प्रवाह पंचामृत और इसका लेप दिया है वाड़ा और जो ये रहता है अनंता, इसका घी के साथ में गोघृत के साथ में जीभ को ये करने के लिए बोला है, और त्रिफला से सिर्फ गंडूष पकड़ने के लिए बोला है, क्योंकि 1-1.5 महीने से जब भी कोई तो उनके पास में कोई पेपर वगैरह नहीं था, जस्ट ऐसे किसी ने बोला कि आप आयुर्वेदिक, उनका होम्योपैथिक भी काफी दिन से चल रहा था, और कोई भी उसकी प्रकृति मतलब जिसे बोलते हैं कि ऐसे कोई दोष नहीं मिला या हेतु नहीं मिला कि जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा पित्त प्रकोप है या फिर जागरण है या ये बड़ा, लेकिन क्या मेनार्के के बाद में ये चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि मैं उसकी वजह से जब वो नेक्स्ट टाइम आएगी तो रोने लग गई, तो इसके बाद में मैंने उसको नहीं डिस्टर्ब किया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन उसको 4 दिन में बुलाया मैंने,
तो उस वक्त में सर हमने अपान पे काम करना चाहिए, क्योंकि आज सुबह की संभाषण में आपने बताया जैसे, तो अपान दृष्टि के बाद में पित्त बराबर है प्रकोप ना, आपका बात सही है, ऐसा हो सकता है ना सर, इसलिए पूछ रहे, 100%। हाँ हो सकता है सर। पूरा लाल कलर का जीभ, मैं उसका पिक, क्योंकि बच्ची डरी हुई थी पहली बार ही मेरे पास में आई थी, तो मैंने वो पिक एकदम जैसे रेडिश कलर का बोलते हैं ना वैसे, ऐसे कोई दाने वगैरह नहीं, लेकिन ऊपर का भी जो पूरा मुख विवर है वो पूरा रेड एंड हो गया। सिर्फ दाल चावल खाती है वो, और कुछ भी नहीं, सिर्फ दाल चावल, तीखा बिल्कुल बंद है 1-1.5 महीना से, और ऐसे कुछ भी और मतलब हिस्ट्री नहीं उसकी किसी डिसीज की, एकदम हेल्दी बेबी है। जी, तो वही मैं, आपने अच्छा से बताया सब चीज। थैंक यू आप सर। देखिए आगे क्या उपचय अनुपचय मिलते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड हाँ करेंगे। हाँ सर, और एक हीमोग्राम एलेप्टी करने के लिए बोला है मैंने, क्योंकि 1-1.5 महीना से ज्यादा अगर संप्राप्ति है तो ऐसा नहीं हो कि हम किसी चीज को नेग्लेक्ट करें, इसलिए उसको बोला है कि आप आइए, लेकिन उसका मानसिकता पूरी तरह से, और ऐसे कुछ नहीं, वो अचानक डरती है, अचानक रोती है, तो मतलब रसक्षीणता रसदुष्टि भी मुझे लगी ऐसे कि होनी ही चाहिए वहां पे, क्योंकि 2 महीना पहले से मेंसेस रेगुलर है उसका 2 महीने में, लेकिन जो मानसिक बदलाव रहता है, जो मनोस्रोतस पे जो एक तनाव आता है, उसकी वजह से इतना पित्त प्रकोप मान सकते हैं क्या हम, मतलब आहारज हेतु, प्राणी आहारज और विहारज। कला पे प्रभाव पड़ रहा है, या पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला। हाँ बराबर सर, बराबर, मैंने ऐसे ही गुड, क्योंकि मैं वही बोल रही थी कि कोई भी हेतु नहीं मिल रहा, शायद इन्होंने नहीं बताया हो कुछ अभी बाद में हेलो कुछ। ओके बराबर, मैम, और उसके मतलब मानसिक लक्षणों के कारण भी तो कभी कभी व्याधि बढ़ती है ना, तो उसकी मतलब, क्योंकि जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा मतलब वैसा मतलब उसका जो भी बिहेवियर है वो थोड़ा सा एकदम सॉफ्ट है, तो उसकी वजह सॉफ्ट से भी है, एकदम इन्फेक्शन हो इमोशनल है वो, सकता है एकदम ना, तो हाँ इसमें मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा जो लक्षण होते हैं वो हम साधक पित्त में देखते हैं, क्योंकि तो साधक पित्त हमारा है जो हमारे शरीर में हमको ताकत देता है, निर्णय देता है, और अपने आप को धैर्यता देता है, ठीक है। हाँ तो साधक मैम, पित्त पे, इस पे अगर आप कार्य करेंगी तो खास तौर से अगर आप ऐसी वनस्पतियां यूज करेंगे जिसके पर्याय शब्द वीरा है, या मतलब जिसमें पर्याय शब्द में जिसमें वीरा या ऐसे जो विजया है, ऐसे जो पर्याय शब्द में आते हैं, जैसे कि उसमें शतावरी आती है, ब्राह्मी आती है, कुमारी आती है, भूम्यामल की है जो पित्त पे भी कार्य करेगी, हरित की है जो पित्त पे भी कार्य करेगी, और दूर्वा है क्योंकि उसको लक्षण है दाहा है, तो दूर्वा कल्प इसमें बहुत अच्छा उपयोग होगा, तो ये सब आप उसमें पेशेंट में यूज करिए तो दोनों पे असर हो जाएगा, पाचक मतलब पित्त भी ठीक हो जाएगा पेशेंट का, और मानसिकता भी, और उसका जो ये साधक पित्त जो बिगड़ा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। कितना अच्छे से बताया मैडम ने। हाँ सर मैं एक बात पूछ सकती हूँ सर? सर एक या चार थैंक पूछ सकते यू हैं। मैम। सर ओके ये मैम पूछना था सर, सर एक 30-year-old पेशेंट है, जी, उसको उसका 20 ऑपरेट हुआ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी सर, एक 30-year-old पेशेंट है, उसका 2020 में सिजेरियन सेक्शन हुआ, उस टाइम पे बाय चांस उन लोगों जिन्होंने सिजेरियन किया उन्होंने ब्लैडर के ऊपर कट मार दिया, अच्छा पेशेंट शॉक में चला गया, और उसके बाद उसको ऑपरेट करवाने के लिए आगे हायर सेंटर्स में भेज दिया गया, जी, प्लास्टी वगैरह करी गई उसकी, और काफी देर के बाद अब जो पेशेंट हमारे पास आया है तो वो आया है कि अभी भी उसे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम है, होगा मैम। तो मैम हम इस केस में कुछ कर सकते हैं? मैडम बहुत बड़े मर्म पे आघात हुआ ना, आघातज मर्मजन्य संप्राप्ति है, तो इसलिए जी ये सिर्फ आयुर्वेद से ठीक होगा, अदरवाइज एलोपैथी में तो वो जिसे बोलते हैं हमेशा ड्रिपलिंग मिक्चुरेशन और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में जाएंगे। जी जी यही प्रॉब्लम है उसकी अभी। जी मैं पूरी तरह से उसका और डिटेल में ये लीजिए ना, जी उसके मैं पहले मैम उसका, मैं पूरा लूंगी, मैंने असल में अभी उन्हें बुलाया है, उन्होंने पहले मैसेज करके पूछा है कि भाई क्या आप लेंगे ये केस, तो मैंने कहा बिंदास कि लीजिए मैम, ना बिंदास लीजिए, सिर्फ आप ही उसको ठीक कर सकते आयुर्वेद के सिवा, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मर्म है मैडम वो, और जब लेडीज 30 एज में है तो उसका मतलब उसके और आगे की पूरा उसके हिस्ट्री लेके उसकी प्रकृति और उसका हेतु और सब निकाल कर उसके बाद फिर से ये रिपीट केस लाऊंगी। मैम, लेकिन आप शुरू कर दीजिए, मतलब रस पाचक मांस पाचक ये उसके लिए जरूरी पड़ेगा, अलोंग विद दीपन पाचन, और उसका मतलब किसी भी हालत में उसकी मानसिकता, क्योंकि ड्रिबलिंग मैच्योरेशन और इनकॉन्टिनेंस है ना, कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, और ये जी सर्जन वाले लोग मतलब जो भी उन्होंने किया है ये
वो सर्जरी की एंटीबायोटिक वगैरह। प्रतिभा जी आपका आवाज बहुत शोर आ रहा है। सबसे मेन उसके एंटीबायोटिक बंद कराइए और अपने जो भी गन के दवाइयां है ना मैम वो सारी औषधियां दीजिए, मूत्रल जो भी इसके हैं उसका इनकॉन्टिनेंस में। और सबसे पहले सुबह जैसे बात हुई थी उसको अपान को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल रखिए, क्योंकि उसका अपान हमेशा प्रकोपित होगा, वहीं से शुरुआत हुई ना उसकी, ये वजह से। और इसमें बस्ती बहुत अच्छा रिजल्ट देता है मैम, लेकिन बहुत सिक्वेंस ही जाइएगा, पेशेंट का बल और मानसिकता इसको संभाल के अच्छा काउंसिलिंग करके। और बिंदास लीजिए मैम, क्योंकि आप इतने अच्छे ग्रुप में और अरविंद सर होते हुए तो डरने का ही नहीं। हाँ मैम, इसलिए मैंने भी आज ये केस ली मैम, मुझे पक्का ये था कि सर मुझे बिल्कुल हेल्प करेंगे। मैम इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या, नस्य शिरोधारा वगैरह? मैम अभी नहीं, क्योंकि देखिए वहां पे आपने बोला है कि सर्जिकल इंसिजन हुआ है, तो वहां पे नहीं नहीं मैम, मेरा ये केस अलग था, वो जो मैंने अभी कंपवात वाला नहीं बताया क्या मैम, जिसके क्योंकि हमें जाना है सभी लोगों को। डॉक्टर दीप्ति जी आई है लेकिन शायद मैम अभी आई है, तो डॉक्टर दीप्ति जी नमस्ते, प्रणाम आपको दीप्ति जी। हम लोग 8 बजे मिलेंगे समाचार में। थैंक यू सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।